टू माय चैनल आरसुनीतास किचन। आप सब लोग कैसे आशा करते हैं, आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं जैक फ्रूट का पराठा। आप लोग जैक फ्रूट का सब्जी तो बहुत खाए होंगे, एक बार इस पराठा खा कर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो जैक फ्रूट का पराठा के लिए इन्ग्रीडियंट्स ले लिया है 400 ग्राम जैक फ्रूट छोटे पीस में कटी हुई, इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, 1 कप पानी डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगा लेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 4 पीस हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक 1.5 टीस्पून, 3 बड़ा चम्मच बेसन, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 पीस नींबू और गरम मसाला। आटा में 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं और रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं 2 चम्मच। सभी को मिक्स कर लेंगे। तेल और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, पानी डालकर भून लेंगे। देखिए आटा को गूंथ लिए हैं और आटा सॉफ्ट ही गूंथिएगा, इससे पराठा अच्छा बनेगा। अब ढक के इसे हम थोड़ी देर रख देते हैं। आइए अब कटहल को हम चेक कर लेते हैं। देखिए कटहल पक चुका है, पूरी तरह से पक गया है। अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। ओवन में कढ़ाई रख दिए है और उसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है। इसमें बेसन डाल देते हैं और अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन का कच्चापन निकालेंगे। बेसन को भूनते भूनते देखिए दोस्तों इसमें अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए यहीं पर हम जीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मिर्च पाउडर, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, सभी को मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे थोड़ा। सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मसाला भून गया है, अभी यहीं पर हम कटहल लिए थे, अब कटहल यहीं पे लिए थे, इसको अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। अब इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये पराठा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। कटहल की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन पराठा तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से भून लेंगे, पूरा सूख गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों। अब हम गरम मसाला डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ओवन बंद करके इसमें नींबू का रस मिला देंगे। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे इसे। ते हैं डाल देंगे
अच्छी तरह से इसे गूंथ लेंगे। देखिए मसल लिए अच्छी तरह से। अब एक बड़ी सी लोई ले लेंगे, चपाती बनाने के लिए जितना लोई लेते हैं उससे थोड़ा बड़ी लोई लेंगे, क्योंकि पराठा हमारा थोड़ा बड़ा साइज का और मोटा बनेगा, खाने में टेस्ट होगा। सूखा आटा में लपेट लेंगे और बेल लेंगे इसे। थोड़ा तेल लगा लेंगे, मिश्रण को इसमें डाल देंगे। चारों तरफ से मोड़ लेंगे। अब सूखा आटा में इसे फिर से लपेट लेंगे। बाकी बचा आटा ज़्यादा हो गया है इसे हाथ से झाड़ लेंगे और फिर से हम बेलेंगे। को बेल लिए है, अब इसे तवा में हम डाल देंगे। तवा पहले से हम गरम करने रख दिए थे, जब तक ये पराठा हमारा सीख रहा है तब तक हम और एक लोई बना लेते हैं। और एक बड़ी सी लोई बनाएंगे। सूखा आटा में लपेट लेंगे और इसे बेल देंगे। तेल लगा लेंगे। मिश्रण डाल देंगे, इसका मुंह मोड़ लेंगे और चेक कर लेते हैं। तो पराठा हो गया है, इस तरफ सिक गया है, अब इसमें रिफाइन ऑयल लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही सेके दोस्तों पराठा को। इस तरह से तेल लगा लिए है, अब दूसरी तरफ पलट देंगे। इसी तरह से तेल लगा लेंगे। और दाब दाब के सेकेंगे इसे, फिर पलट लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारा पराठा। फिर दूसरी तरफ फिर दाब दाब के सेकेंगे। देखिए दोनों तरफ ही पराठा हमारा बन गया है, हम नीचे उतार लेते हैं। बना लिए हैं, भर के सूखा आटा में लपेट देंगे, हाथ से इस तरह दाब देंगे दोस्तों ताकि मिश्रण हमारा चारों तरफ फैल जाए। अब बेल लेते हैं हल्के हाथों से। बेल लिए हैं, अब इसे तवा में डाल देंगे, पलट लेते हैं। तेल लगा देंगे। दूसरी तरफ से पलट लेंगे और तेल लगा लेंगे। फिर इसे सेक लेंगे पराठा को। देखिए एक और पराठा हमारा बन के रेडी हो गया। इस तरह से पराठा को हम बना लेंगे, नीचे उतार लेते हैं। ये पराठा हो चुका है। देखिए जैक फ्रूट का पराठा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे दही के साथ या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। हम इसे दही सोयाबीन की सब्जी के संग सर्व कर लिए है। यह दही सोयाबीन का सब्जी हम अपना चैनल में अपलोड किए थे, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले। यह पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें और बच्चे को भी खिलाएं। चलिए अब हम आपको अंदर का भी दिखा देते हैं। देखिए अंदर से भी कितना अच्छा कटहल का मिश्रण है।
क्या बोल रही है? आप जरूर एक बार इसे घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और इस तरह नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।